गाइज, स्मिथसोनियन मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक ब्लैक होल को डिटेक्ट किया है। ये ब्लैक होल धरती से 5000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और ये 67,000 टू 1,00,000 माइल्स पर आर की स्पीड से मूव कर रहा है। हालांकि ये बात अब तक क्लियर नहीं है कि क्या वो ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल है या फिर कोई और चीज़। दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, पर कहाँ पर एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स? असल में यूनिवर्स ही सब कुछ है, इस कारण वो किसी जगह पर एक्सपैंड नहीं हो रहा, वो बस एक्सपैंड हुए जा रहा है। हर एक गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है और स्पेस का हर रीजन स्ट्रेच हो रहा है। इस कारण ना ही यूनिवर्स का कोई सेंटर है और ना ही कोई आउटर एज।